हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अमित शाह बोले, शिवराज सरकार में राज्य की स्थिति बेहद खराब। क्या कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं शाह? बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आजकल अपने भाषणों की वजह से नहीं बल्कि फिसलती जुबान और पैलों के गलत तालमेल की वजह से सुर्खियों में हैं। ऐसा नहीं है कि गिरना कोई खबर हो जाए और इस खबर को ज्यादा महत्व भी नहीं देना चाहिए, मगर जब एक पार्टी अध्यक्ष विपक्षी नेता का नाम भूलकर अपने नेता का नाम लेने लगे तो सुर्खियां तो बनेंगी ही। ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश के एक चुनावी जनसभा में। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम लेने की बजाय मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का नाम ले लिया। अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उससे पहले शिवराज सिंह की सरकार थी और उनके राज में राज्य की स्थिति बहुत ही खराब थी। बीजेपी सबसे ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी होने का दावा करती है, मगर उसी पार्टी के अध्यक्ष को जब अपने मुख्यमंत्री का नाम ना याद रहे तो इसे गलती कही जा सकती है। जिस पद पर शाह हैं, उस पद पर भाषणों में गलती हो जाया करती है। चाहे वो राफेल का दाम बताने में अगर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से गलती हो सकती है तो अमित शाह से भी गलती हो सकती है। आखिर दोनों है तो इंसान ही और इंसानों से ही गलती होती है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।